नाव लेट्स लुक एन अदर एग्जाम्पल और इसके अंदर हम पूरा वो करते हैं डिटर्मिन के एक्चुअली जो हमने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है इसमें हमारी फाइनल रिकमेंडेशन क्या है uh, इसके अंदर सेम uh, हम वेलफेयर ऑफिस की बात कर रहे हैं और जिसके अंदर हमने सैम्पल साइज डिटर्मिन किया था एट हंड्रेड एंड थर्टी थ्री का ना द मैनेजर वॉन्ट्स टू सी Uh, जैसे मैंने कहा कि 25 फाइव परसेंट आइडल वर्कर है कि नहीं है रीज़न बीइंग के मैनेजर uh, फील्ड के अगर ये जो क्लाइंट्स हैं सर्व ये वेलफेयर के ये फोन और वॉक करके विदाउट एन अपॉइंटमेंट आपके पास आ जाते हैं वेलफेयर ऑफिस में आ जाते हैं और उनको सर्विस देनी होती है तो अगर ये वर्कर्स के पास ट्वेंटी फाइव परसेंट आइडल टाइम नहीं है तो सर्विस डिट्रिएट हो कर जाएगी आ, उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी क्योंकि वो उनको एंटरटेन नहीं कर सकेंगे क्योंकि फारग नहीं है तो एंटरटेन नहीं कर सकेंगे तो वो शी वॉन्ट्स कि ट्वेंटी फाइव परसेंट टाइम कम अज़ कम वर्कर जो है वो आइडल होना चाहिए तो उस बेसिस के ऊपर ये अब उस उसने ये टास्क दिया है के 833 ऑब्जर्वेशन ऑब्जरवेशन करें और इसके अंदर ये डिटरमिन करें कि ये 25 परसेंट टाइम आइडल है कि नहीं है अच्छा इसके अंदर जो हमारी अप्रोच होगी उसके अंदर ये होगा कि हमने आ, पहले तो सैंपल साइज कैलकुलेट करना था वो हमने कर लिया है अब चीज़ ये है कि हमने ये करना है कि उसका शेड्यूल बनाना है अनबाइस शेड्यूल का मतलब है कि रैंडम नंबर्स के जरिए आपने वो टाइम डिसाइड करना है कितने टाइम पर जाना है कब जाना है और वर्कर को ऑब्ज़र्व करना है और थर्ड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो जो एनालिस्ट है उसने डिसाइड करना है उसने बताना है कि ऑफिस वर्क वो किसको कह रहे हैं और आइडल किसको समझ रहे हैं क्योंकि वो नोट करेगा लेकिन उसमें से जो नोट किया है कि ये वर्कर पर कर रहा था उस वक्त जब ऑब्ज़र्व किया है तो उसके अंदर कुछ चीजें होंगी जो उसको ये बताएंगी कि ये आइडल था और कुछ चीजें होंगी जो कि बताएगा कि ये ऑफिस वर्क कर रहा था इफ वी लुक एट बेसिकली दिस थिंग तो इसके अंदर uh, जो हम डिफाइन करते हैं फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि वो फाइलिंग कर रहा था या मीटिंग्स कर रहा था या डाटा एंट्री कंप्यूटर के ऊपर कर रहा था डिस्कशन कर रहा था सुपरवाइजर से तो ये सारी चीज़ें आर वर्क रिलेटेड इसको हम ये नहीं कह सकते कि जी ये वर्क नहीं कर रहा था ये हमारी कंस ये नहीं है कि क्लाइंट को ही अगर वो कर रहा है हैंडल कर रहा है तो वही वर्क है नहीं ये भी उसका वर्क का हिस्सा होगा और इसके अलावा अगर कुछ है तो वो फिर बेसिकली आइडल होगा तो वो जो चेक करना है कि वो है कि नहीं है ऑब्जर्वेशनस uh, नॉन इंट्रूसिव वे के अंदर परफॉर्म होनी चाहिए कि वर्कर को ना पता चले कि वो ऑब्जर्व कर रहा है उसको उसके काम में मदाखलत ना हो तो उस बेसिस के ऊपर आपने उसको ऑब्जर्व करना